गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी शाहपुर टूर्नामेंट का संपन्न हुआ है, तो फर्स्ट रही है इंडरी टीम अपनी टीम, और सेकंड रही है शाहपुर की टीम कमेटी की। और अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देख सकते हैं आप, दिखा रहा हूँ मैं आपको एक बार। बना लिए भाई, ये वीडियो चल रहा है, फोटो खींच ली। गुड इवनिंग गाइस। और जैसा कि आपने ब्लॉग में स्टार्टिंग में देखा कि ईशापुर टूर्नामेंट का समापन हुआ, सुबह 6 बजे फाइनल हुआ, जो कि ईशापुर और इंड्री टीम के बीच हुई, हमारी टीम के बीच हुआ, और जिसमें कि इंड्री टीम विनर रही और थर्ड पोजीशन पे रही मंचल नजवगढ़ और फोर्थ पोजीशन पे रही नोएडा। यानी थर्ड और फोर्थ पोजीशन थी जो कंबाइंड थी, दोनों टीमें रही। और इस टूर्नामेंट में सभी मैच जो भी सेकंड राउंड के, थर्ड राउंड के और क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल बहुत ही अच्छे मैच लगे। टोटल टीमें 50 के समथिंग आई टूर्नामेंट में, बहुत ही बेहतरीन मैच लगे। दो ग्राउंड थे, दोनों पे मैच कंटिन्यू चले और अच्छी सुविधा थी, लाइटें अच्छी थी। थोड़ा एक नंबर जो ग्राउंड था उस पर नेट की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मैच भी लंबे चल रहे थे। और दो नंबर जो ग्राउंड था बिल्कुल बेहतरीन था, अच्छा ग्राउंड था, और हमने तो सभी मैच उसी पे खेले, बट फाइनल मैच एक नंबर ग्राउंड पे खेला। तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा, सभी टीम आई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, टूर्नामेंट कामयाब हुआ। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा मैं भाई धर्मेंद्र का, जिन्होंने हमारी टीम को इनवाइट किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, अच्छा टूर्नामेंट रहा, फैसिलिटी अच्छी थी, खाने पीने की सुविधाएँ अच्छी थी। और 6-1 के टूर्नामेंट में फॉर्मेट जो होता है उसमें टीमें बहुत ज़्यादा आती हैं, अच्छा टूर्नामेंट रहा। जो भी टूर्नामेंट कराता है भाई तो पैसे लगाता है, तो वो भी चाहता है कि टीमें आएँ और टूर्नामेंट कामयाब हो, अच्छे मैच लगे। तो बहुत ही अच्छा लगा टूर्नामेंट में, और अपनी टीम विनर भी रही, तो इस बात की भी बहुत ही खुशी हुई। सो गाइज, अभी मैं सीधा वहाँ से 6 बजे ख़त्म हो गया था, तो सीधा गुड़गांव आ गया था अपने ऑफिस, ड्यूटी थी क्योंकि आज की। तो अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ, 6 बजे शाम के, तो अभी सीधा यहीं से गाड़ी में जाऊँगा घर। और इस ब्लॉग में देखेंगे आप रास्ते के नज़ारे, और घर जाके फिर आज एक टूर्नामेंट भी है। वैसे तो हमारे गांव से 15 किलोमीटर है एक गांव में, 11,000 का टूर्नामेंट है, ओपन टूर्नामेंट है। वैसे तो प्लेयर कह रहे थे जाने के लिए, खेलने के लिए, बट अभी मेरा मन नहीं है, मैंने मना कर दिया बिल्कुल ही। सो क्योंकि थका हुआ हूँ पूरा, सोया नहीं बिल्कुल भी, तो अभी घर जाके आराम करेंगे। और मैं आपको इस ब्लॉग का अंत तक देखें बताऊंगा ज़रूर। और इस टूर्नामेंट के जो भी मैच हैं वो डाल दिए गए हैं, फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, जो भी मैच लगे हैं, आठ दस मैच हैं जो भी, डाल दिए गए हैं। आप YouTube चैनल ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल पे देख सकते हैं, लिंक नीचे दे रखा है वीडियो के। चलिए फिर मिलते हैं गाइस रास्ते में, और अंत तक ज़रूर देखें ब्लॉग को। और यस्टरडे वाला ब्लॉग भी देख सकते हैं आप, ईशापुरी गए थे, रास्ते के कुछ दृश्य हैं और खेत के कुछ दृश्य हैं, काफ़ी इंजॉय होगा। नहीं देखा है तो देख सकते हैं, वो भी डला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, प्रेम लव ब्लॉग पे। राम राम सर जी, उनको मिलते हैं रास्ते में। गाइस अभी मैं आ गया था, सोने पहुंचने वाला हूँ, और एक गाड़ी में देखे कॉकरोच, अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, शीशे बंद है इसको, पहले साइड में होके गाड़ी को निकालता हूँ, साइड में रोकूंगा, उसके बाद ये जा रहा, देखो शीशे के पास से साइड में लेता हूँ गाड़ी को, इसको बाहर करता हूँ पहले, उसके बाद शीशा खोल के। गाइस कॉकरोच कर दिया बाहर, अब चलते हैं। अभी सोना यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पे है, दिखाते हैं आपको, ये है भाई बड़ोदरा हाईवे, यहाँ से सोना और गुड़गांव के लिए जो एक्सप्रेस वे हाईवे जा रहा है वहाँ से ये कट हो रहा है। पुल वगैरह भी दिखाई देगा, अभी पुल के नीचे से जाऊँगा ना, दिखाई देगा। ये हाईवे यहाँ से बड़ोदरा महाराष्ट्र
जा रहा है रोड, न्यू रोड बना है ये बिल्कुल। ये देख सकते हैं ये वाला हाईवे है, यहाँ से ये पुल जो है ये हाईवे जा रहा है यहाँ से गुड़गांव से सीधा, यहाँ से 8-9 घंटे का सफर है वडोदरा महाराष्ट्र सीधा रोड जा रहा है, एक्सप्रेस वे न्यू बनाई सोना गुड़गांव से जो रोड जा रहा है इससे कट होके जा रहा है हाईवे। गाइस फ्रूट वगैरह अभी ले लिए और स्वीट ले लिए, अभी चलिए अभी निकलता हूँ। ये है सोना मार्केट, कुछ दिन से सोना मार्केट के देख सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़ा जल्दी है फिर मिलते हैं घर पे। चलिए फिर क्यों घर, और क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, ये मैं चला लूं जैसी भी। तुम तो कितनी बड़ी हो, तेरी है जैसी है। अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं और अभी एडिट करना है इसको, और जो मैच है ईसापुर के वो भी एडिट करके चैनल पे डालने, ऑल इंडिया अंडरलैंड वॉलीबॉल पे वो मिल जाएंगे आपको, डाल चुके हैं देख सकते हैं। तो अभी इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आप सभी को पसंद आया वो ब्लॉग, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।